नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषि भारद्वाज और मैं आज फिर से मौजूद हूँ आपके अपने YouTube चैनल खेती बाड़ी उपचार में। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आने वाली वीडियो यानी ये वाली वीडियो किसानों में के जो नए बिल आए हैं, जो नए कृषि बिल हैं, उनके ऊपर बनाऊँगा और बताऊँगा कि किसानों को इससे कितना फ़ायदा है और कितना नुकसान है। पिछली वीडियो में मैंने MSP के बारे में बताया था, जो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दें और उसके पास वाला बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचे। तो शुरू करते हैं। वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस कर लिया है कि MSP क्या है, लेकिन थोड़ा सा इस वीडियो में भी मैं आपको बता देता हूँ क्या है MSP। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि MSP की फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों, MSP की फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे हिंदी में कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। MSP सरकार द्वारा निर्धारित वह कानून है, वह प्राइस है जो कि किसानों को सपोर्ट करने यानी उनको समर्थन देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। MSP सरकार द्वारा निर्धारित वह मूल्य है जिससे नीचे उनकी फसल मंडी में नहीं बेची जा सकती। तो चलिए इसके बाद आज का टॉपिक शुरू करते हैं कि क्या है नया किसान बिल या फिर नया कृषि बिल और इसके फायदे और नुकसान। तो दोस्तों, इस साल लोकसभा के मानसून सत्र में किसानों के हितों में 3 बिल या फिर कहें तो विधेयक पारित हुए हैं। इन विधेयकों ने हमारे अन्नदाता किसानों को अनेक बंधनों से मुक्ति दिलाई है। तो चलिए जानते हैं कि ये कौन से बिल हैं। तो सबसे पहला जो संशोधन या फिर कहें जो विधेयक पास हुआ है वो है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा बिल। दोस्तों, इस विधेयक या फिर इस बिल के अनुसार किसान किसी भी जगह पर अपनी फसल बेच सकते हैं, बिना किसी रुकावट दूसरे राज्यों में भी फसल बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं। इसका मतलब है कि APMC के दायरे से बाहर भी फसलों को खरीद व बिक्री संभव है। साथ ही फसल की बिक्री पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जो कि 8 से 11% जो टैक्स लगता था वो भी नहीं लगेगा। किसान ऑनलाइन भी अपनी फसल बेच सकता है, इससे किसानों को अच्छे दाम भी मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से ये विधेयक किसानों के लाभ के लिए ही बनाया गया है, किसानों को इससे लाभ है। तो अब आते हैं दूसरे बिल पर, जो कि है मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020। दोस्तों, इस बिल या फिर इस विधेयक के अनुसार देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव है। फसल खराब होने पर उसके नुकसान की भरपाई किसानों को नहीं बल्कि एग्रीमेंट करने वाले पक्ष या फिर कंपनियों को करनी होगी। किसान कंपनियों को अपनी कीमत पर फसल बेचेंगे, इससे किसानों की आय बढ़ेगी और बिचौलिया राज खत्म होगा। कहने का मतलब ये है कि किसान फसल कटने से पूर्व ही किसी भी कंपनी को अपनी फसल का कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है, यानी जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करेगी वह किसान की फसल को कटने से पहले ही उसका सौदा कर लेगी किसी भी एक तय रकम पर, जिससे किसान को अगर मौसम के द्वारा कोई नुकसान भी होता है तो उसकी भरपाई कंपनी को करनी पड़ेगी। तो इससे किसानों को बहुत ही मदद है और किसानों पर कोई अतिरिक्त खर्च जो कि मौसम द्वारा कभी कभी किसान को झेलना पड़ता है वो किसान पर नहीं लगेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी संशोधन की या फिर विधेयक की, जो कि है आवश्यक वस्तु संशोधन बिल। तो दोस्तों, ये जो बिल है ये सबसे पहले 1955 में बनाया गया था, लेकिन अब खाद, तेल, तिलहन, दाल, प्याज और आलू जैसे कृषि उत्पादों पर से स्टॉक लिमिट हटा दी गई है। बहुत ज़रूरी होने पर ही इन पर स्टॉक लिमिट लगाई जाएगी। ऐसी स्थितियों में राष्ट्रीय आपदा, सूखा जैसी स्थितियाँ शामिल हैं। प्रोसेसर या वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट के लिए ऐसी कोई स्टॉक लिमिट लागू नहीं होगी। उत्पादन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन पर सरकारी नियंत्रण खत्म होगा। तो दोस्तों, इस नियम के अनुसार जो किसान 1955 में लगाए गए संशोधन के द्वारा किसी भी फसल को, जैसे कि तिलहन, दाल, प्याज जैसी फसलों को स्टॉक नहीं कर पाते थे, यानी अपने पास संभाल कर रख नहीं पाते थे, उस पर से स्टॉक लिमिट हटा दी गई है। दोस्तों, क्या हुआ था कि जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद से सभी किसान अपने आप को समर्थ बनाने के लिए अपनी फसलों का रखाव करते थे, यानी कि उनको
गोदाम में जैसे फसलें रखी जाती हैं उनको संभाल कर रखते थे, जिससे कि देश में आर्थिक तंगी आ गई थी, लोगों को खाने के उत्पाद नहीं मिल रहे थे, जिससे कि खाने के उत्पादन में महंगाई आ गई थी। तो इसी को रोकने के लिए उस टाइम सरकार ने यह बिल लागू किया था कि जब तक की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती उससे पूर्व कोई भी किसान अपनी फसलों का भंडारण नहीं करेगा। तो यही इस बार संशोधन किया गया है कि अब कोई ऐसी स्थिति नहीं है, तो इसलिए अब किसान अपनी फसलों का स्टॉक कर सकता है जिसको बाद में कभी भी बेच सकता है। तो ये थे हमारे कृषि बिल में हुए संशोधन। लेकिन इन तीनों संशोधन का कई राज्यों में विरोध हुआ, तो अब वीडियो में आगे जानते हैं कि क्या रही विरोध की वजह। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली विरोध की वजह कुछ इस प्रकार है कि जो कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 है, उसमें कहा गया है कि किसान अब APMC मंडियों के बाहर किसी को भी अपनी उपज बेच सकता है, जिस पर कोई शुल्क भी नहीं लगेगा। जबकि APMC मंडियों में कृषि उत्पादों की खरीद पर विभिन्न राज्यों में अलग अलग मंडी शुल्क व अन्य उपकर हैं, मतलब कि कुछ परसेंटेज जाता था पहले, लेकिन अब अगर वो किसान अगर बाहर भी बेचेंगे तो वो नहीं जाएगा। तो इसके चलते आढ़तियों और मंडी के कारोबारियों को डर है कि जब मंडी के बाहर बिना शुल्क का कारोबार होगा तो मंडी तो कोई आना ही नहीं चाहेगा, जिससे मंडियों की जो सुविधा है वो बंद हो जाएगी। और यही आशंका कुछ किसानों और व्यापारियों को है कि इस विधेयक से APMC मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, दूसरा कारण एक और भी है। किसानों को यह भी डर है कि नए कानून के बाद APMC जो मंडियाँ हैं उन पर फसल सरकार खरीद बंद कर देगी। दरअसल कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 में इस संबंध में कोई व्याख्या नहीं की है कि मंडी के बाहर जो खरीद होगी वह न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP से नीचे के भाव पर नहीं होगी। इसकी कोई व्याख्या नहीं है। MSP के नीचे भाव पर हुई तो यह किसानों को नुकसानदायक भी हो सकता है। लेकिन इस मुद्दे पर फैसला लेने से पूर्व हमने यह जरूरी समझा कि पहले रिसर्च करी जाए कि एग्री एक्सपर्ट्स यानी जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स होते हैं उनका इस नियम पर क्या कहना है। तो एग्री एक्सपर्ट विजय सरदाना का यह कहना है कि किसानों के लिए यह बिल काफ़ी फायदेमंद है। उनका कहना है कि इन विधेयकों के लागू होने से किसानों की आय बढ़ेगी, बाजार से बिचौलिए दूर होंगे और किसानों को उनकी फसल का वाजिब भाव मिल सकेगा। आने वाले दिनों में ग्रामीण भारत गांव जो है निवेश का हब बनेगा। तो यह है एग्री एक्सपर्ट्स की राय। तो मेरे ख्याल से यह बिल जो है हमारे लिए किसानों के लिए फायदेमंद है। तो दोस्तों, दूसरा जो अधिनियम है जिस पर किसान विरोध कर रहे हैं, जिस पर व्यापारी विरोध कर रहे हैं, वो है मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता बिल को। तो इस बिल को लेकर किसान और इससे जुड़े संगठनों का कहना है इससे किसान और उसकी उपज पर प्राइवेट कंपनियों का कब्जा हो जाएगा और सारा फायदा बड़ी कंपनियों को मिलेगा। कंपनियां किसानों की ज़मीन पर नियंत्रण करने लगेंगी, कालाबाजारी बढ़ेगी, जिससे किसान की पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दायरे में आ जाएगा। कई राजनीतिक दलों ने इस बिल को जमींदारी सिस्टम तक बता दिया है। कंपनियां जमींदार की तरह किसानों से फसल उत्पादन करवाएंगी और मुनाफा कमाएंगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस पर सरकार का क्या कहना है और एग्री एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। तो दोस्तों, किसान दल जो है और किसान हैं, व्यापारी हैं, वो यह मानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसानों के लिए लाभदायक नहीं है, हानिकारक है। यह जमींदारी सिस्टम की तरह बिहेव करेंगी। तो दोस्तों, इस पर जो सरकार का कहना है वो है कि ऐसा कुछ नहीं है। सरकार कह रही है कि हमारा लक्ष्य किसानों की आय को दोगुना करना है। इसी लक्ष्य की प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विधेयक के पक्ष में ट्वीट करते हुए कहा कि ये विधेयक सही मायने में किसानों को बिचौलियों और तमाम अवरोधों से मुक्त कर देगा। कृषि सुधार से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए अवसर मिलेंगे, जिनसे किसानों का मुनाफा बढ़ेगा। किसानों को आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ मिलेगा, किसान मजबूत होंगे। तो यह कहना है हमारे श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी जो हैं उनका। सरकार का कहना है कि इस बिल के अनुसार किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा और जहां ज़्यादा मुनाफा मिलेगा वहां अपनी फसल को बेच सकेगा। उस मंडी की तरह कोई टैक्स नहीं ना पड़ेगा। मंडी में इस वक्त किसानों से 8.5% यानी 8.5% तक मंडी शुल्क वसूला जाता है,
जो कि फिर उसको नहीं वसूला जाएगा उसके द्वारा। तो उससे किसानों को फ़ायदा हुआ ताकि वो बिना कोई कमीशन दिए अपनी फसल को बेच सकते हैं। उपज खरीदने के 3 दिन के अंदर अंदर में किसान को ये पैसा मंडी को देना होता था, जो कि अब नहीं देना पड़ेगा। तो इससे किसानों को फ़ायदा ही है। दोस्तों, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP को बरकरार रखा जाएगा। यानी अगर किसान जहां बाहर भी फसल बेचेंगे वहां MSP पर ही बेचेंगे। नए कानून के तहत MSP खत्म नहीं होगी, बाहर बेचने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। ऐसे में किसानों को फ़ायदा मिल सकता है। अगर बाहर कम कीमत मिलती है तो किसान मंडी आकर फसल बेच सकते हैं जहां उन्हें MSP मिलेगा। तो यह एक लाभदायक पॉइंट है किसानों के लिए कि अगर उनकी मंडी से बाहर अगर MSP नहीं मिल पाती है, MSP से ऊपर नहीं बल्कि नीचे फसल बिकती है, तो वह मंडी आकर भी फसल बेच सकते हैं। तो इसमें किसानों का कोई नुकसान नहीं है। तो यह तीनों बिल मेरे ख्याल से किसानों के लिए लाभदायक हैं और इनसे विरोध करने की कोई वजह नहीं बनती। चलिए तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मैं ऋषि भारद्वाज इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी दिक्कत बताएं जिसके ऊपर मैं वीडियो बना सकूं। जय जवान, जय किसान।